नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। जहरीले सांप मामले में बिग बॉस ओटीटी 2 विनर अल्पेश यादव मंगलवार रात 2 बजे नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंचा। अल्पेश के साथ 7 वकील भी थे। थाने में करीब 3 घंटे तक अल्पेश से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान वह काफी डरा हुआ नजर आया। रेव पार्टी, नशा, सांपों की सप्लाई और राहुल कनेक्शन से जुड़े हुए सवाल पूछे। हालांकि अल्पेश ने ज्यादातर आरोपों को नकार दिया, कहा कि उनका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। तड़के 5 बजे अल्पेश थाने से बाहर आया और हरियाणा चला गया। अल्पेश से पूछताछ के दौरान डीसीपी मौजूद रहे। अल्पेश को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले मंगलवार को नोएडा पुलिस ने अल्पेश यादव को नोटिस भेजा था। इसमें लिखा था, कोतवाली सेक्टर 49 की एक FIR में आपका नाम शामिल है। जितनी जल्दी हो सके कोतवाली सेक्टर 20 में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएं और जांच में सहयोग करें। नोटिस में एज सून एज पॉसिबल शब्द को मेंशन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक नोएडा पुलिस की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद अल्पेश ने पुलिस से संपर्क किया था। उसने पुलिस से देर रात का टाइम पूछताछ के लिए रखा। इस पर नोएडा पुलिस सहमत हो गई, तभी तय समय के मुताबिक वह थाने पहुंचा। सांप तस्करी से जुड़ा केस सेक्टर 19 में दर्ज हुआ था। हालांकि FIR दर्ज होने के 3 दिन बाद ही सेक्टर 19 के प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया था। इसके बाद केस को सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में अब इस केस की जांच इंस्पेक्टर कैलाशनाथ कर रहे हैं। मंगलवार रात उन्होंने ही अल्पेश से पूछताछ की। वकील साथ में होने की वजह से वो बीच बीच में हनक भी दिखा रहा था। इंस्पेक्टर ने पहले से पार्टी और उसके दोस्तों राहुल के कनेक्शन के बारे में पूछा। अल्पेश ने इनकार किया। फिर वैनम और सांप के अरेंजमेंट के बारे में सवाल किए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।